जिनेन्द्र वंदे तु सव सिद्धे ध्रुव ममल मणोम गदिं पते गोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुद केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय सार जी महान ग्रंथादिराज का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार चल रहा है और हम अंतिम पड़ाव की ओर हैं। हमने पिछली कक्षाओं में समझा आत्मा का जो स्वभाव है वह ज्ञायक स्वभाव है, वही गुण है, वही उसका स्वरूप है। अन्य पौद्गलिक जो गुण हैं रूप रस गंध स्पर्श आदि, ये आत्मा से पूर्ण रूप से भिन्न हैं। आहार की अपेक्षा से भी हमने चर्चा की, आत्मा आहार को भी ग्रहण नहीं करता है क्योंकि उसका स्वभाव वैसा ग्रहण करना नहीं है, वह पुद्गल द्रव्य को क्यों ग्रहण करेगा। जब वह आहार आदि जो शरीर ग्रहण करता है, आत्मा तो उसे ग्रहण नहीं करता। इसी बात को लेकर के आचार्य भगवान ने पिछली चार गाथाओं में जो पाखंडी लिंग को धारण करने वाले साधु हैं, जो मात्र द्रव्य लिंग को ही मोक्ष का कारण मानते हैं, अथवा गृहस्थ के किसी लिंग को किसी भेष को धारण करके अपने आप को मानते हैं कि हाँ हमें इसको धारण करने से मोक्ष मिल जाएगा, उनकी अपेक्षा से आचार्य भगवान ने वहाँ समझाया था कि नहीं, वह मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, और वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो भाव रूप से प्राप्त होता है, निश्चय स्वरूप को प्राप्त होता है, वास्तविक मोक्ष मार्ग तो वही है। यही बात आज की इस कक्षा में हम समझते हैं। मोक्ष पहे अपाणम, मोक्ष पहे अपाणम, ठवे ही चेद यहि जायहि तं चेव, ठवे ही चेद यहि जायहि तं चेव, तथैव विहरणिच्चम, तथैव विहरणिच्चम, मा विहरसु अन्न दव्येषु, मा विहरसु अन्न दव्येषु। बोलिए, मोक्ष पहे अपाणम, ठवे हि चेद यहि जायहि तं चेव, तथैव विहरणिच्चम, मा विहरसु अन्न दव्येषु। मोक्ष पहे अपाणम, ठवे हि चेद यहि जायहि तं चेव, तथैव विहरणिच्चम, मा विहरसु अन्न दव्येषु। गाथा का अर्थ समझते हैं। मोक्ष पहे अपाणम, मोक्ष पहे मोक्ष पथ में, पथ अर्थात मार्ग। मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राण मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं अपाणम अर्थात अपने आप को, अपने आत्मस्वरूप को मोक्ष पहे मोक्ष मार्ग में, रत्नत्रय स्वरूप जो मोक्ष मार्ग है, उस मोक्ष मार्ग में ठवे ही स्थापित कर। आचार्य भगवान बहुत करुणा करके हमें उपदेश दे रहे हैं कि मात्र बाह्य लिंग, बाह्य वेश को ही मोक्ष मार्ग मत मानो कि नग्न दिगंबर हो गए और मोक्ष मार्गी हो गए, या यूँ समझ लिए कि हमें मोक्ष मिल जाएगा, या फिर गृहस्थ के किसी वेश को धारण कर लिया, शरीर के ऊपर सिर्फ एक कोपिन लगा ली, बाकी पूरा शरीर नग्न है, गृहस्थ का वेश है, उत्कृष्ट श्रावक का यह वेश है, इसको ही मोक्ष मार्ग मत मानो। कहने का तात्पर्य है सिर्फ द्रव्य लिंग से ही अपने आप को ये मत समझो कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी। जब तक वह आत्मा रत्नत्रय को धारण नहीं करेगा, और रत्नत्रय भी कौन सा, निश्चय रत्नत्रय की यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो वही है, आत्मा का तो स्वभाव वही है। जब निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति होती है उस समय आत्मा और रत्नत्रय में कोई भेद नहीं रहता। आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक चारित्र है। उसी स्वरूप की यहाँ पर बात आचार्य भगवान कर रहे हैं, हमें उपदेश दे रहे हैं कि हे भव्य जीव,
तुम अपने आप को उस निश्चय रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग में ठवे ही स्थापित कर। आगे कह रहे हैं चेद यही अर्थात उसका अनुभव कर, उस आत्मा का रसास्वादन कर। साथ में कह रहे हैं ध्यायहि ध्यान कर, उसी आत्मा का, उसी रत्नत्रय स्वरूप आत्मा का ध्यान कर। तम चेव अर्थात उसी का, उसी किसका, उसी आत्मा का। कैसी आत्मा का, जो निश्चय रत्नत्रय से संयुक्त है, निश्चय रत्नत्रय स्वरूप जो मोक्ष मार्ग है, निश्चय मोक्ष मार्ग है, उस निश्चय मोक्ष मार्ग में स्थित होकर के अपने आप को, अपनी आत्मा को वहाँ स्थित करके वहीं पर तुम स्थापित हो, उसी आत्मा का अनुभव करो और उसी आत्मा का ध्यान करो। आचार्य भगवान कह रहे हैं आगे तथेव विहरणिच्चम, तथेव उसी आत्मा में ही। कैसी आत्मा, जो निश्चय रत्नत्रयात्मक है, ऐसी उस आत्मा में ही विहर अर्थात विहार कर। निच्चम मतलब नित्य, हमेशा हमेशा उसी आत्मा में विहार कर। माँ विहरसु अन्न दव्येसु, माँ अर्थात मत नहीं, विहरसु अर्थात विहार कर, मत विहार कर। कहाँ, अन्न दव्येसु अन्य द्रव्यों में, अन्य जो पुद्गल आदि द्रव्य हैं, शुभ अशुभ आदि जो अन्य भाव हैं, उनमें विहार मत कर, अपने शुद्ध स्वभाव में विहार कर, अर्थात आत्मस्वरूप में ही विहार कर। विहार करने का तात्पर्य है उस आत्मस्वरूप में ही पर्यटन कर, उस आत्मस्वरूप में ही लीन हो। इस प्रकार की बात आचार्य भगवान यहाँ पर हमें कह रहे हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें। मोक्ष पहे अपाणम अर्थात अपने आप को, अपनी आत्मा को मोक्ष पहे मोक्ष मार्ग में ठवे ही अर्थात स्थापित कर। चेद यही अर्थात अनुभव कर। तम चेव झायही और उसी आत्मा का ध्यान कर। तथेव निच्चम विहर अर्थात उसी आत्मा में नित्य अर्थात हमेशा विहार कर। माँ अन्न दव्येसु विहरसु अर्थात अन्य द्रव्यों में विहार मत कर, अर्थात अन्य जितने भी पर द्रव्य हैं, पुद्गल आदि हैं, अथवा जीवात्मक भी जो राग द्वेष आदि है, शुभ अशुभ परिणाम है, उनमें विहार मत कर, उसमें अपने मन को मत लगा या उस तरफ चिंतन मत कर। अपने आत्म स्वरूप में लीन हो करके उस निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त हो करके परम समाधि को प्राप्त कर। इस प्रकार का उपदेश आचार्य भगवान इस गाथा में दे रहे हैं। गाथा का भावार्थ देखें। हे भव्य, तू अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर, उसी का अनुभव कर और उस आत्मा में ही निरंतर विहार कर, अन्य द्रव्यों में विहार मत कर। यहाँ विहार से तात्पर्य है अन्य द्रव्यों में अपनी परिणति को, अपने ध्यान को, अपने मन को मत लगा, वहीं आत्म स्वरूप में लीन हो जा। पद्यानुवाद देखें। ध्याओ निजात्म नित ही निज को निहारो, अन्यत्र छोड़ निज को न करो विहारो, संबंध मोक्ष पथ से अविलंब जोड़ो, तो आपको न मन हो मम ये करोड़ो। देखिए आचार्य भगवान भी यहाँ पर कह रहे हैं संबंध मोक्ष पथ का अविलंब जोड़ो। हे भव्य जीव, तुम जल्दी से शीघ्रता से अपने आप का संबंध, आत्मा का संबंध मोक्ष पथ से जोड़ लो, मोक्ष मार्ग में लग जाओ और उस निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लोगे तो मैं भी तुम्हारे चरणों में करोड़ों नमस्कार करूँगा, क्योंकि उस अवस्था को प्राप्त हो जाने वाले वे परम महामुनि महाराज महान होते हैं जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया, और उनको नमस्कार आदि करके हम भी अपनी आत्मा का कल्याण करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे आचार्य भगवान उन्हें संबोधित कर रहे हैं जो सिर्फ बाह्य वेश को ही मोक्ष मार्ग मान करके उसी में स्थित होते हैं। तो आचार्य भगवान बहुत स्पष्ट कह रहे हैं उन लोगों ने अभी तक समय सार का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। समय सार तो उन लोगों के लिए है जो आत्मस्वरूप को प्राप्त करने के लिए प्रेरित हैं। देखें
पाखंडी लिंगे सुव गिहिलिंगे सुव बहुप्यारेषु कुवन्ति जिममत्ति तेहिणनादं समयसारम् बोलिए पाखंडी लिंगे सुव गिहिलिंगे सुव बहुप्यारेषु कुवन्ति जिममत्ति तेहिणनादं समयसारम् पाखंडी लिंगे सुव गिहिलिंगे सुव बहुप्यारेषु कुवन्ति जिममत्ति तेहिणनादं समयसारम्। अर्थ देखें, पाखंडी लिंगे सुव, पाखंडी लिंगेशु अर्थात पाखंडी लिंगों में। पाखंडी लिंग के बारे में हम पूर्व में अच्छी तरह से पढ़ करके आ चुके हैं, जिसमें मात्र द्रव्य लिंग की ही चर्चा की गई है, जो मात्र चाहे वे साधु नग्न दिगंबर भी क्यों न हो, सिर्फ दिगंबर अवस्था को प्राप्त हो गए और ये समझें कि नहीं यही मोक्ष मार्ग है, इतने मात्र से ही हमें मोक्ष मिल जाएगा, वैसा भी नहीं, वो द्रव्य लिंग भी नहीं। उसके लिए भी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने उसे पाखंडी का लिंग कहा है, पाखंडी का वेश कहा है। और अन्य संप्रदाय के द्वारा तो जितने भी अपने वेश आदि धारण किए जाते हैं और उनको धारण करने के बावजूद भी यदि वे ऐसा मानते हैं कि नहीं इसको धारण करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उनके लिए यहाँ पर पाखंडी लिंगेशु शब्द का प्रयोग किया है। तो ऐसे पाखंडी लिंगों में वह मतलब और गिहिलिंगेशु अर्थात गृहस्थ के लिंगों में, गृहस्थ के वेश में, जो गृहस्थ में रहते हुए भी किसी वेश को धारण कर लेता है और ये मानता है कि इस वेश को धारण करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसे बहुप्यारेषु बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के, अर्थात अनेक प्रकार के उन पाखंडी के लिंगों में, पाखंडी के वेशों में और गृहस्थ के वेश में कुवन्ति जे ममत्ति, कुवन्ति अर्थात करते हैं, जे मतलब जो, ममत्ति ममत्व, यह वेश मेरा है और यह वेश मुझे मुक्ति प्राप्त करा देगा, इस प्रकार मान करके उस बाह्य वेश में ही जो अटके हुए हैं, जो उस बाह्य वेश से ही ममत्व रखते हैं, उस बाह्य परिणाम में ही लगे हुए हैं, उनके लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं ते ही उनके द्वारा न नादम, न मतलब नहीं, नादम मतलब जाना गया, क्या नहीं जाना गया, समय सारम, समय सार, यह जो समय सार महान ग्रंथादिराज मैंने लिखा है, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज कह रहे हैं वह समय सार उन लोगों ने, उन साधुओं ने, उन पाखंडी वेश को धारण करने वालों ने नहीं जाना, अभी तक उन्होंने इस समय सार को पढ़ा ही नहीं है, सिर्फ बाहर से भले ही पढ़ लिया हो लेकिन इस समय सार को आत्मसात नहीं किया। समय सार आत्मसात तब होगा जब निश्चय रत्नत्रय स्वरूप को प्राप्त होंगे, सिर्फ बाहर में नहीं उलझना, शुभ और अशुभ विकल्पों में नहीं रहना, ये नहीं समझना सिर्फ अशुभ विकल्पों को छोड़ दिए और शुभ को प्राप्त कर लिए या मुनि बन गए, 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं इतने मात्र से मोक्ष मिल जाएगा, नहीं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज कह रहे हैं उससे और उत्कृष्ट दशा को प्राप्त होना है, अपने आत्मस्वरूप में लीन होना है, अभी तो व्यवहार रत्नत्रय को अपनाया है, अब अपने आत्मस्वरूप में लीन होकर के शुद्धोपयोग को प्राप्त होकर के निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त होना है, तभी आत्मा का कल्याण होगा, तभी वास्तव में समय सार पढ़ना सार्थक होगा। एक बार फिर से गाथा का अर्थ देखें, पाखंडी लिंगे सुव गिह लिंगे सुव बहु प्यारे सु, चाहे वे पाखंडी किसी साधु के, अच्छे साधु के अथवा खोटे साधु के, यहाँ अच्छे साधु से मेरा तात्पर्य है जो मात्र बाह्य द्रव्य लिंग को ही प्राप्त है, निर्ग्रंथ दिगंबर है,
जो आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं हो रहे, भावलिंग को प्राप्त नहीं हुए, ऐसे साधु अथवा अनेक प्रकार के जो गृहस्थ के लिंग हैं, गृहस्थ के भेष हैं, उन भेषों को धारण करके जे ममत्ति कुवंती, जो उनके प्रति ममत्व परिणाम करते हैं कि यह वेश मेरा है, इस वेश को धारण करने से मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तेहिन नादम समय सारम, आचार्य भगवान कह रहे हैं उन लोगों के द्वारा, उन भेष को धारण करने वालों के द्वारा अभी समयसार नहीं जाना गया, उन्होंने अभी समयसार का ज्ञान प्राप्त नहीं किया, इसलिए अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त हो करके उस वास्तविक समयसार को हमें प्राप्त करना चाहिए। गाथा का भावार्थ देखें, जो लोग नाना प्रकार के पाखंडी लिंगों में और गृहस्थ लिंगों में ही ममत्व किए हुए हैं, क्या ममत्व किए हुए हैं कि उन्हें यही भेष मोक्ष दिला देगा, वे लोग समयसार को नहीं जानते। पद्यानुवाद देखें, गार्हस्थ लिंग भर में मुनि लिंग में ही, जो मुग्ध साधक रहा बहिरंग में ही, अज्ञात ही समय सारे उसे रहेगा, संसार में भटकता दुख ही सहेगा। जय जिनेन्द्र।